ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी है। मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को इस विद्यालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब लोग यहाँ पर इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, जिसे आजाद करने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाकुल्ला खान, लाला लाजपत राय जैसे सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आज का ये दिन, स्वतंत्रता दिवस का ये दिन, हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और अपने मूल्य को सम्मान देना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल समेत तमाम मंचों पर भारत बहुत तरक्की कर रहा है। आज हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी तमामों ऐसी समस्याएं हैं, परंतु हमें उससे लड़ना है। तो आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा लें कि हम इन सभी समस्याओं को सुलझाएंगे और हम पूरे प्रयास करेंगे कि अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक इस छोटी सी शायरी से करना चाहूंगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।